कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को राजस्थान के भीनमाल में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव का समय हिसाब लेने का होता है। राजस्थान में हो सकता है आपको गहलोत सरकार से थोड़ा गिला शिकवा हो, इसीलिए आपने सरकार बदल दी। हालांकि इसके बाद क्या हुआ आपने देखा। जो स्कीमें कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी उसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार के समय जनता को 25 लाख की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी, जिसे भाजपा सरकार ने आते ही बंद कर दिया। आज राजस्थान की भाजपा सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है। अब देश का चुनाव है, इसीलिए आपको सोच समझकर वोट करना होगा। आज चुनाव के वक्त देश में अजीब माहौल बन गया है, जनता के ध्यान के भटकाने वाली बातें कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को कुछ हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था, आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं, हाँ कि नहीं। तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ, कौन बताएगा, बंद हो गई। आपको 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही थी, आज क्या हालात है, आज मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपको जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी, आज लगभग उनको बंद किया गया है। और ये इसलिए है कि जो सरकार आपने अब चुनी है अपने प्रदेश में, वो सरकार आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है। अब अगला चुनाव आया है, देश का, पूरे देश का चुनाव है, तो सोच समझ के अपना वोट दीजिएगा। आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है कि जो आपके लिए अच्छा हो रहा था वो बंद कर दिया गया है, तो क्या पूरे देश में आप ऐसा चाहते हैं? तो ये तय करने का समय है कि आप चाहते क्या हैं। आजकल चुनाव के समय एक अजीब सा माहौल बन गया है, आपने देखा होगा, आपके ध्यान को भटकाने वाली सारी बातें हो रही हैं।